दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए 5 मई की 5 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इन फॉर्म को भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। इन सभी भर्तियों के ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं और आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। ऑल ओवर इंडिया से, भारत के किसी भी राज्य से आप इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हो। मेल फीमेल, महिला पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। इनमें कुछ भर्तियाँ ऐसी भी निकली है जिनके लिए आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना होगा। 40,000 से अधिक वैकेंसीज निकली है जिनके लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। 10वीं पास, 12वीं पास, डिग्री पास और डिप्लोमा पास के लिए भी सुनहरा अवसर निकला है। 5 मई की 5 विभागों में बम्पर भर्तियों की अपडेट आ चुकी है। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि किन किन 5 विभागों के अंतर्गत ये भर्तियाँ निकली है, किस पोस्ट के लिए कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इन सभी भर्तियों की नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं 5 मई की 5 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट में। भारतीय डाक विभाग के अंतर्गत ये भर्ती है। ग्रामीण डाक सेवक GDS की पोस्ट है। 38,926 वैकेंसी यहाँ पर निकली है। इम्पोर्टेंट डेट्स की बात की जाए तो आवेदन इसके लिए 2 मई 2022 से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 5 जून 2022 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 5 जून 2022 है। सैलरी की बात की जाए तो 10,000 से 12,000 है प्रति माह के लिए। इस भर्ती के लिए 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष आयु सीमा है। UROBC WS और मेल कैंडिडेट्स के लिए 1,000 रुपये फीस है। SST फीमेल कैटेगरी कैंडिडेट को कोई भी फीस जमा नहीं करनी होगी। पेमेंट आप क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI और हेड पोस्ट ऑफिस से कर सकते हो। बात अगर यहाँ पर सिलेक्शन की जाए तो यहाँ पर आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना होगा। बिना एग्जाम के भर्ती है, मेरिट से चयन किया जाएगा। ऑनलाइन तरीके से आप आवेदन कर सकते हो, ऑल ओवर इंडिया से आवेदन कर सकते हो। सभी स्टेट के लिए यहाँ पर ये वैकेंसीज निकली है। इंडिया पोस्ट GDSonline.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर सेकंड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत ये भर्ती है। GNM के लिए 453 वैकेंसीज यहाँ पर निकली है। बात अगर इम्पोर्टेंट डेट की जाए तो आवेदन की स्टार्टिंग डेट 1 मई 2022 थी। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 31 मई 2022 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 31 मई 2022 है। मेरिट लिस्ट की बात की जाए तो जल्द ही डेट यहां पर अपडेट की जाएगी। सैलरी आप नोटिस से चेक कर सकते हो। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 12th पास साइंस और इंग्लिश से या फिर 12th पास और NM सर्टिफिकेट से आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो 17 से 35 वर्ष इसके लिए आयु सीमा है। जनरल कैंडिडेट्स के लिए 200 रुपये फीस है। SST OBC के लिए 100 रुपये फीस है, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। बिना एग्जाम के भर्ती है, मेरिट से चयन किया जाएगा। ऑनलाइन तरीके से आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। UP उत्तर प्रदेश जॉब लोकेशन है। DGMHUP.gov.in इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो थर्ड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है नेशनल हेल्थ मिशन में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के अंतर्गत ये भर्ती है। पोस्ट है मिडवाइफरी एजुकेटर की। वैकेंसीज आप नोटिफिकेशन से ही चेक कर सकते हो। बात अगर इम्पोर्टेंट डेट्स की जाए तो आवेदन इसके लिए भी 2 मई से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 22 मई 2022 है। मेरिट लिस्ट की अपडेट यहाँ पर जल्द ही अपडेट की जाएगी। बात अगर सैलरी की जाए तो आप नोटिस से ही चेक कर सकते हो। MSc नर्सिंग और BSc नर्सिंग क्वालिफिकेशन से आप आवेदन कर सकते हो। एज लिमिट मैक्सिमम 45 वर्ष है। फीस जमा नहीं करनी होगी, ना ही कोई एग्जाम देना होगा। मेरिट से चयन किया जाएगा। ऑनलाइन तरीके से ही आप इस भर्ती के लिए भी आवेदन कर सकते हो। UP उत्तर प्रदेश जॉब लोकेशन है। UPNRHM.gov.in की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर फोर्थ नंबर पर जॉब निकली है वो निकले डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स एंड जस्टिस में। गृह मामलों और न्यायिक विभाग के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। पोस्ट असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की 119 वैकेंसी यहाँ पर निकली है।
डेट की बात की जाए तो आवेदन इसके लिए 30 अप्रैल 2022 से शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 20 मई 2022 है। यहाँ पर फीस पेमेंट की चालान के माध्यम से लास्ट डेट भी 30 मई 2022 है। बात अगर यहाँ पर इसमें सैलरी डिटेल की जाए तो 35,400 सैलरी प्रति माह के लिए प्रोवाइड की जाएगी। डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ लॉ से आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट 18 से 37 वर्ष है। एप्लीकेशन फीस की बात की जाए तो SST ऑल स्टेट और बैकवर्ड क्लास जो पंजाब स्टेट के हैं केवल उनके लिए 750 रुपये फीस है। EX सर्विसमैन PWD EWS जो पंजाब स्टेट के हैं उनके लिए 500 है। ऑल अदर कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 1500 रुपये फीस है जो कि आप बैंक चालान से पेमेंट कर सकते हो। बात अगर सिलेक्शन की जाए तो रिटर्न टेस्ट के आधार पर चयन किया जाएगा। ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हो। पंजाब जॉब लोकेशन है, ऑल ओवर इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। PPSC.gov.in की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 5 लास्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में। राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के अंतर्गत भर्ती है। पोस्ट असिस्टेंट सब अकाउंटेंट कम सब ऑडिटर, अकाउंटेंट कम ऑडिटर, डिप्टी सेक्शन ऑफिसर, IT सिस्टम मैनेजर, असिस्टेंट इंजीनियर, डिप्टी इंजीनियर, अकाउंट्स ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, फाइनेंस ऑफिसर, कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशंस की। बात अगर वैकेंसीज की जाए तो इसके लिए यहाँ पर 139 वैकेंसीज निकली है। इंपॉर्टेंट डेट की बात की जाए तो आवेदन इस भर्ती के लिए भी 3 मई 2022 से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 21 मई 2022 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 21 मई 2022 है। सैलरी लेवल 2, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14 के अंतर्गत प्रोवाइड की जाएगी। बैचलर डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। 21 से 35 और 40 वर्ष इसके लिए आयु सीमा है। एप्लीकेशन फीस की बात की जाए तो UR OBC और EWS के लिए 500 रुपये फीस है। SST वोमेन के लिए कोई भी फीस नहीं है। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से ऑनलाइन कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पे। ऑनलाइन तरीके से आप आवेदन कर सकते हो। गांधीनगर गुजरात जॉब लोकेशन है। ऑल ओवर इंडिया से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है NFSC.ac.in जिससे आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी 5 मई की 5 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको इन भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से किसी भी भर्ती की नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो और अप्लाई भी यहीं से कर सकते हो। लिंक यहीं पर आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपके मन में अब भी इन भर्तियों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। और अंत में दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।